हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। जैसा कि आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जिसमें मैथ्स और साइंस और रीजनिंग की चल रही हैं, जिसमें रीजनिंग हमने आपको कोडिंग और डिकोडिंग बताया और एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके टाइप्स कराए थे। उसी कड़ी में हम आपको आज नया चैप्टर कैलेंडर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कैलेंडर पढ़ाने के पहले हम कैलेंडर के बारे में कुछ जानते हैं, कैलेंडर का निर्माण हुआ कैसे। कैलेंडर जो है हमारे बहुत पहले से ही बना हुआ है, हमारे ग्रहों और तारों के अनुसार बना हुआ है। तो हमारे जो हिंदू कैलेंडर होता है विक्रमी संवत के हिसाब से बना हुआ है, जो चंद्रमा के हिसाब से बना हुआ है, और जो मुसलमानों का हिजरी जो त्योहार बने हैं उसी के हिसाब से हिजरी संवत के हिसाब से बने हुए हैं। तो जैसे चांद ईद के लिए जो त्योहार बनता है इसका चांद के हिसाब से है। उसी प्रकार हिंदुओं का जो अमावस्या और पूर्णिमा और इसे सब होते हैं, ये सब चांद के हिसाब से कैलेंडर बने हुए हैं। लेकिन ये एकदम त्योहारों का एकदम परफेक्ट मैच नहीं कर पाता, इसलिए हम जो अपने दैनिक जीवन में कैलेंडर का यूज करते हैं ग्रेगेरियन कैलेंडर, जो हमारे ऑफिसों में हमारे घरों में कोई भी कार्य हो, कार्य स्टार्ट करने के पहले हम कैलेंडर के ऊपर ध्यान देते हैं। कैलेंडर किस लिए यूज करते हैं हम, उसमें हम तारीख देखने के लिए यूज करते हैं, और तारीख के हिसाब से हम उसमें कौन सा दिन है वो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कैलेंडर जो होता है, हम जानते हैं कि हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन जो हमारा होता है एक साधारण वर्ष होता है, जबकि लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। ये 365 और 366 कैसे आया, ये 365 हमारे जो है ग्रहों जो पृथ्वी का जो चक्कर है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है पृथ्वी, उसी के हिसाब से हमारा जो है ये 365 और 366 बना है। तो हमारा जो पृथ्वी चक्कर लगाता है एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट पर लगाता है, और वही जो 6 घंटे कुछ मिनट जो है चार सालों में जाकर एक दिन का निर्माण कराता है, जो हमारा लीप वर्ष के रूप में उसको सामने रखा गया है। कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए, उसके दिनों को मेंटेन करने के लिए लीप वर्ष बनाया गया है, जिससे वो 366 होता है। तो देखते हैं एक साधारण वर्ष में जो होता है 365 दिन होते हैं। तो कैलेंडर का जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सप्ताहों का यूज करते हैं। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसमें कोई भी विषम दिन निकालना होता है, उसमें हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग करने के बाद जो पूरी तरह से विभाज हो जाता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं। विभाज होने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन बोलते हैं, उसी को हम 8 डे बोलते हैं, और उसी 8 डे के हिसाब से हम अपना जो है दिन ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं कि 365 एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। इसके हम विषम दिन निकालना हो तो सबसे पहले हम किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, जिसमें 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14 52 जो सप्ताह है एक पूर्ण सप्ताह है, 52 जो है पूर्ण सप्ताह है, और इसमें एक जो है विषम दिन हो रहा है, एक विषम दिन जो है, इसी हिसाब से हम अपना ये हमारे 365 जो साधारण वर्ष है इसमें 52 पूर्ण सप्ताह और एक विषम दिन होता है, ये इसी विषम दिन के हिसाब से हम अपना जो है दिन और तारीख ज्ञात करेंगे। इसके जो कैलेंडर के क्वेश्चन है इसी के हिसाब से। ऐसे ही हम लीप वर्ष को देखते हैं, लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं, इसको भी 7 से भाग देते हैं, 366 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 2 विषम दिन इसमें मिल रहे हैं। कितने? 2 विषम दिन मिल रहे हैं, और 52 जो है पूर्ण सप्ताह मिल रहे हैं, मतलब ये 52 पूर्ण सप्ताह है। तो इसको हम याद करें, इसको हम कैलेंडर के क्वेश्चन को याद करने सॉल्व करने के लिए इसको हम याद रखना जरूरी है कि जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष जो होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो इसी हिसाब से हम जो जैसे हो गया लीप वर्ष कैसे किसे बोलते हैं, लीप वर्ष जो है 4 से जो विभाज होता है, जो भी संख्या है, जो भी वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाज हो जाए उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। जबकि लीप शताब्दी वर्ष जो होता है वो 400 के गुणज में होता है, 400 से जो विभाज हो जाए उसको हम लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं। लीप शताब्दी वर्ष जैसे हम बोलते हैं 1600
2000, ऐसे ही 400 के गुणज में जितने भी वर्ष होंगे ये लीप शताब्दी वर्ष होते हैं, ये लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। लीप शताब्दी वर्ष 400 के गुणज में होते हैं। जबकि लीप वर्ष जो होते हैं चार के गुणज में होते हैं, लीप वर्ष जो होते हैं चार के गुणज में होते हैं। हमने बचपन में या कैसे कभी भी रीजनिंग पढ़ा हुआ है या वैसे भी नॉर्मली जानते हैं कि चार के जो गुणज में होते हैं लीप वर्ष होते हैं। तो जैसे इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं इसी कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें पूछता है कैलेंडर में जैसे या आपके घरों में आपके रिश्तेदार ने किसी ने पूछ लिया कि जैसे आज का जो कोई दिन है और आज के 37 दिन बाद या आज के 18 दिन बाद कौन सा दिन होता, तो उसको निकालने के लिए हम उसको कैसे हल करते हैं उसी के हम कुछ तरीके बताते हैं। आपने पढ़ा होगा हम उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसे हमने बताया कि कैलेंडर में दिन निकालने के लिए किससे 7 से भाग देते हैं, तो इसी प्रकार हम 37 में भी 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देने बाद जो पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए उसको हम नहीं काउंट करते हैं, जो विषम जो शेष बचते हैं उसी को हम याद रखते हैं, उसी के हिसाब से जो है उसका दिन निकालते हैं। तो जैसे हो गया 37 में जो है 7 5 35 जो है जो पूरी तरह से हो रहा है इसमें दो विषम दिन बच रहे हैं और इसी विषम दिन के हिसाब से हम अपना दिन का जो है दिन को रखेंगे। जैसे हम आज क्या रखेंगे हैं, आज जैसे हम अपना मानते हैं बुधवार है और बुधवार के हम बुधवार में दो दिन जो है विषम आया है, दो दिन के बाद जो है बुध गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार के दो दिन बाद जो होता है शुक्रवार आएगा। ये हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन में, आज से 37 दिन बाद कौन सा होगा, आज को हम क्या मानते हैं बुधवार मानते हैं और बुधवार को जो है 37 दिन बाद बुधवार के 37 दिन बाद जो है क्या होगा शुक्रवार होगा, जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें शुक्रवार, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। कैसे आया, 7 से हमने विभाजित किया और जो विषम जो शेष बचा हुआ 7 से विभाजित करने बाद जो शेष बचा उसी को हम विषम दिन करते हैं और उसी दिन इसमें बाद बताया गया है। जैसे अगर बात पूछता है कोई भी कैलेंडर में कोई भी दिन क्या करना हो अगर बात पूछता है तो उसमें प्लस करते हैं, मतलब जो भी दिन दिया जाता है उसमें प्लस जो करते हैं जो विषम दिन होता है। अगर पहले पूछता है तो जो दिन रहता है उसमें दो को माइनस करते हैं, जो भी संख्या जो होती है उसको माइनस करते हैं। तो इसमें बात पूछा था इसलिए हमने प्लस किया हुआ है। अगर इसमें 37 दिन पहले पूछा होता तो हम बुधवार में 2 को घटाते और बुधवार से दो दिन पीछे जाते हैं, जो दिन आता वही हमारा आंसर होता। तो इसी के प्रकार हम देखते हैं उस और क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे इसमें पूछा है कि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था और आज से 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि आज से और आज के, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं आज से 2 दिन बाद क्रिकेट शुरुआत होगी, मतलब उसमें क्या होगा आज से मतलब के लिए आज को भी काउंट करेंगे, जबकि आज के 4 दिन बाद क्रिकेट शुरुआत होगा तो उसमें आज के लिए हम आज को काउंट नहीं करेंगे, आज के बाद जो अगला दिन होगा उस दिन से हमारा वो पहला दिन होगा। तो इसमें बोला है आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज क्या था, ये आज है, आज से 2 दिन पहले, ये आज को हम 1 मानेंगे और इसको 2 दिन पहले बोला है, तो मतलब 2 दिन के पहले क्या था, मंगलवार था और इसमें दिया गया है कि आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मतलब 2 दिन पहले मंगलवार था तो दूसरा दिन कौन था, दूसरा दिन जो था आपका बुधवार और आज का दिन जो क्या था शुक्रवार, आज का दिन शुक्रवार था और उसमें बोला है आज से 4 दिन बाद,
इसमें आज से बोला है, इसलिए हम आज को एक मानते हैं। उसके बाद दो तीन और चार, चार दिन के बाद बोला है, तो चार दिन के बाद जो दिन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आज हमारा हो गया शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनि के बाद रवि, यहाँ गुरु होगा, आज का जो दिन होगा गुरुवार होगा, हमने मिस्टेक थोड़ा कर दिया, बुधवार के बाद या गुरुवार होगा, आज का जो दिन होगा गुरुवार होगा, गुरुवार फिर शुक्रवार, शुक्र उसके बाद शनि, और चौथा दिन जो होगा आपका रवि। जबकि उसने पूछा है चौथा दिन ना पूछ के, चौथा दिन के बाद मतलब चार दिन बाद पूछा है, तो चार दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। चौथा दिन हो, अगर पूछा होता चौथा दिन कौन सा होगा तो हमारा आंसर रविवार होता है। जबकि इसमें पूछा है चार दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो चार दिन के बाद जो होगा हमारा क्या होगा, सोमवार। चार दिन के बाद हमारा क्या होगा, सोमवार, जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है इसमें। आज गुरुवार था और आज के चार दिन बाद सोमवार, ये हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें बहुत ज्यादा गलतियां यही आज के और आज से, इसमें इसी को समझने में बहुत मिस्टेक होती है और क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। तो इसको याद, इस टाइप के क्वेश्चन को याद करने के लिए इनका याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं इसी प्रकार अगले टाइप के क्वेश्चन को। जैसे दिया गया है इसमें आज से चार दिन पहले, इसमें दिया गया है आज से चार दिन पहले बुधवार था, तो आज से पांचवा दिन, आज से पांचवा दिन कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के हमने बताया था आज से, तो आज से के लिए हमने इसको, आज को हम कितना मानेंगे, एक मानेंगे, आज को एक मानेंगे, आज के चार दिन पहले, चार दिन पहले मतलब दो तीन चार, चार दिन के बाद जो दिन होगा वो है बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनि, और जो आज का दिन होगा वो क्या होगा, रविवार। आज का दिन रविवार होगा। तो आज से पांचवा दिन पूछा है, ना कि आज, आज से पांच दिन बाद, इसमें पांचवा दिन पूछा है। तो जो पांचवा दिन होगा हम उसको देखते हैं, दो तीन चार पांच, ये जो पांचवा दिन होगा यही हमारा दिन होगा। तो आज रविवार है, रविवार से फिर आगे बढ़ते हैं सोमवार, मंगल, बुधवार, और जो पांचवा दिन होगा ये गुरुवार। इसमें पूछा था आज से पांचवा दिन, ना कि पांचवा पांच दिन बाद, इसमें पांचवा दिन पूछा था, इसलिए ये इसका जो आंसर होगा गुरुवार, जो हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसका जो आंसर होगा गुरुवार। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता है, इसको हम याद रखना, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज से और आज के, इसको ये बात इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखते हैं इसमें जो है अगला जो टाइप है, इसमें दिया गया है चेंज डेट सेम ईयर, जो ये आपका अगला टाइप है, चेंज डेट और सेम ईयर, जो है समान वर्ष में जो है तारीखों की अदला बदली को, जो अदला बदलो की जो दिन है कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें जैसे दिया गया है, यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। मतलब जैसे आपका 2020 या 2023 2024 चल रहा है, उसमें पूछा है कि 12 अप्रैल को जो शुक्रवार था तो 18 जुलाई का कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 12 अप्रैल जो है, 12 अप्रैल के जो जितने दिन बचे हुए हैं, मतलब ये 12 अप्रैल तो बीत चुके हैं, उसके बाद जो जितने शेष बचे हुए हैं, तो 12 अप्रैल जो होता है, 12 अप्रैल बीत चुके हैं, और जो होता है अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 12 जो है बीत चुके हैं, अठारह दिन शेष बचे हुए हैं अभी, ये अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, उसके बाद अप्रैल के बाद मई, मई जो होता है 31 दिन का, मई 31, जून 30, और जुलाई में कितने दिन हैं,
जुलाई का कितने दिन है 18 दिन, 18 दिन का हमें निकलना है, 18 जुलाई को निकलना है, तो 18 जुलाई को हम पूरा लेंगे। इसमें होता है जो स्टार्टिंग अगर पूरा ले रहे हैं, पूरा दिन ले रहे हैं, तो अंतिम जो पूछ रहा है उसको छोड़ना होगा, या फिर अगर अंतिम को जो है शेष छोड़ रहे हैं, जो तारीख दिया उसको छोड़ रहे हैं, शेष दिन ले रहे हैं, तो अंतिम वाले का पूरा दिन लेना होगा जो पूछा है, जो जिस दिन पूछा है। तो इस टाइप क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने बताया था सबसे पहले किससे क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। इनको विसंधि ज्ञात करने के लिए, इनको और सरल करने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करने के बाद जो शेष फल बचता है उसी को हम विसंधि ज्ञात करते हैं। तो जैसे 7 से हम 18 को भाग करेंगे, 7 × 14 इसमें 4 जो है 4 विसंधि मिल रहे हैं, इसमें विसंधि मिल रहे हैं। इसी प्रकार 31 में 7 × 28 28 जो पूरी तरह से विभाजित हो रहा है और इसमें 3 विषम दिन बच रहे हैं। उसी प्रकार 30 में जो है 2 दिन और 18 में हो गया 7 × 14 4 दिन इसमें भी शेष बच रहे हैं, शेष जो बच रहे हैं वही हमारा विषम दिन है। और सभी जो विषम दिन है इन्हीं को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो भी आता है, अगर 7 से ज्यादा जा रहा है, 7 से ज्यादा जा रहा है तो हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, अगर 7 से कम जा रहा है तो जो दिन दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम आगे पूछा रहेगा तो आगे जाएंगे, अगर पीछे पूछा रहेगा तो पीछे जाएंगे। तो हम हल करते हैं 4 × 3 = 7 ये पूरा कर रहा है, 7 दिन हो रहा है तो हमको पूरा काट देते हैं। और सरल करने के लिए बच्चे कितने 2 और 4 कितना हुआ 2 + 4 = 6 दिन, मतलब अप्रैल जो है 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएंगे या फिर 1 दिन पीछे जाएंगे, दिन वही आएगा, मतलब 7 होना चाहिए ये, तो शुक्रवार से या फिर हम शुक्रवार से या फिर 6 दिन आगे जाएं तो भी वही दिन होगा, या शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाएं, शुक्रवार -1 तो भी वही दिन आएगा, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो उसी हिसाब से या तो 6 दिन आगे जाइए या फिर 1 दिन पीछे जाइए, दिन वही होगा। तो शुक्रवार से 1 दिन पहले जाएंगे या तो आएगा आपका गुरुवार, आपका क्या आएगा गुरुवार, और शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो उसको भी देख बताते हैं। शुक्रवार हो गया, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये छठवां जो है क्या है गुरुवार। शुक्रवार से हमें 6 दिन आगे गए तो गुरुवार आ रहा है, शुक्रवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो भी गुरुवार आएगा। तो हमारे इस टाइप क्वेश्चन हल करने के लिए ऐसे हल करते हैं, जो भी विषम दिन रहता है उसी को हम योग करते हैं, योग करने के बाद अगर 7 से ज्यादा जा रहा है तो हम 7 से फिर से डिवाइड करते हैं, 7 से कम है तो जो भी दिन दिया रहेगा उसी के हिसाब से अगर बात का पूछे रहेगा तो हम उसमें प्लस करेंगे, और पहले का पूछा रहेगा तो उसमें हम माइनस करेंगे। इसे हमारा क्वेश्चन रहा। इसी टाइप हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ऐसे दिया जाएगा कि किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था तो उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। आपके घर में किसी ने पूछ लिया आपसे कि जैसे किसी की शादी को फिक्स करना हो या कोई भी शुभ कार्य को करना हो तो उनको दिन याद करना हो तो आपसे पूछ लिए हैं तो आप कैसे याद करेंगे। तो आपको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, जैसे 16 नवंबर को शनिवार था तो शनिवार को 16 नवंबर को शनिवार था, मतलब नवंबर में 16 दिन बीत चुके हैं। बच्चे कितने हैं, नवंबर होता है कितने 30 दिन के, तो बचे हुए हैं आपके 16 × 4 = 20 और इसमें 24 दिन। इसमें कितने दिन बचे हैं 14 दिन, नवंबर का हो गया, 1 नवंबर हो गया, नवंबर के बाद किसान मार्च का पूछा हुआ है तो मार्च का पूछा है हम इसके ले सकते हैं या फिर और ले सकते हैं, जैसे 6 मार्च हो गया तो हम मार्च से लेते हैं, 6 मार्च को हमें क्या करना है तो 6 मार्च जो है 6 मार्च के बाद जो शेष बचा हुआ है उसको लेते हैं हम, मार्च से फिर आगे जाएंगे तो हमें निकालने में आसानी होगी। मार्च जो है 6 दिन बीत चुके हैं और होता है कितने दिन का 31 दिन का, जिसमें बचे हुए हैं आपके 25 दिन, ये मार्च हो गया। उसके बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई
31 अगस्त भी 31 और सितंबर जो होता है 30 दिन का, अक्टूबर 31, नवंबर में कितने दिन याद करना है हमें, 16 नवंबर को करना है तो हम 16 नवंबर लिखते हैं। ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, ये नवंबर का हो गया। ये हमारा दिया गया था कि 6 मार्च को कौन सा दिन गया, तो हमने बताया था विषम दिन पहले याद करेंगे, विषम दिन याद करने के लिए 7 से सबसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें होगा 7 तारीख 21, 21 जो है पूरी तरह से कट रहा है, इसमें 4 शेष बच रहे हैं। इसी प्रकार 30 में जो हो गए 7 चौक 28, 2 विषम बच रहे हैं। ऐसे देखते हैं 31 में 3 बचेंगे और 30 में 2, 3 फिर से 3, 2 ये अक्टूबर के 3 और ये नवंबर में 16 है, तो 16 में जो है 7 × 14 14 जो पूरी तरह से कट रहा है, इसमें 2 दिन विषम बच रहे हैं, तो 2 दिन हम इसमें ऐड करते हैं। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर आप जोड़ते रहिए, जहां आपका 7 हो जा रहा है उसको कट करते जाइए, या फिर पूरा पूरा आपको जोड़ करके एक साथ सब 7 से डिवाइड कर दें, तो ज्यादा लंबा ना करते हुए आप ऐसे करते कट कर चलते जाइए जहां जहां 7 हो जा रहा है, तो 4 और 3 7, 3 2 5 2 7 ये हो गए, ये बचे आपके 3 2 5 2 7, कितने बचा, 3 बचा, 3 बचा हुआ हमारा, कितना शेष बचा हुआ है, शेष हमको क्या करना है, शनिवार 16 नवंबर को शनिवार था, 16 नवंबर शनिवार था और इसमें पूछा है पीछे का, इसमें पूछा है मार्च का पूछा है, तो मार्च के लिए हम पीछे जाना पड़ेगा, नवंबर से हमें पीछे आना पड़ेगा, इसलिए हम शनिवार में 3 को माइनस करेंगे या फिर 4 को ऐड करेंगे। हमने बताया 7 होना चाहिए, या अगर माइनस हो रहा है तो उसमें फिर उतना जितना माइनस हो रहा है उसके हिसाब से प्लस करेंगे, जो जिसे दोनों का योग 7 आना चाहिए। इसमें आज शनिवार में 3 माइनस करें या फिर प्लस 4 करें, दिन वही सेम आएगा, तो शनिवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, शनिवार से हो गया शुक्रवार, शुक्रवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद कौन सी दिन आया, बुधवार, तो बुधवार जो आया आपका, इसी प्रकार देखते हैं प्लस करके हम शनिवार से 4 दिन आगे जाते हैं, शनिवार के बाद 4 दिन आगे जाएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार, ये 4 दिन आगे जाने पर, तो हमारा आंसर वही प्राप्त होगा, चाहे 3 दिन पीछे जाए या फिर 4 दिन आगे जाए, आंसर सेम रहेगा, दिन सेम रहेगा, ये हमारा, ये इसका उत्तर था। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखो अगले टाइप के क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें है जो टाइप का है सेम डेट और चेंज ईयर, मतलब डेट समान आपका दिन समान रहेगा लेकिन वर्षों की अदला बदली होगी। अब तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन आपका 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 का कौन सा दिन होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 मार्च 2024 जो साधारण वर्ष जो विषम दिन निकल, सबसे पहले दोनों वर्षों का जो है अंतर लेते हैं, 2024 दिया गया है और 2013 है, इनका हम अंतर लेते हैं, क्योंकि इसमें सेम डेट तो सेम है, डेट को हम नहीं लेंगे तो हम इसको वर्षों का पहले अंतर लेते हैं, तो अंतर लेने के लिए हम क्या, इसका आया अंतर, ये हमारा दोनों वर्षों का अंतर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद 2003 और 2024 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, लीप वर्ष को काउंट करके उनको भी हम जोड़ेंगे, तो 2003 हो गया, जैसे हमने आपको बताया लीप वर्ष कैसे याद करते हैं, 4 से जो है जिस वर्ष 4 से कट जाएगा वही हमारा लीप वर्ष होता है, तो जैसे 13 हो गया, 13 के बाद कौन सा आएगा, 4 के गुणज में 16 आएगा, 2016 आएगा, 16 के बाद 4 × 5 = 20, 2020 आएगा और 2020 आएगा। उसके बाद ये 6 मार्च का दिया गया है, तो हमारा जो है फरवरी, मतलब ये लीप वर्ष किस में आता है, फरवरी माह में आता है, तो मतलब फरवरी बीत चुका है, तो इसको भी 2024 को भी हम ऐड करेंगे,
2024 के लीप वर्ष को भी हम ऐड करेंगे तो हमारे कितने लीप वर्ष प्राप्त हुए, एक दो तीन, तीन लीप वर्ष प्राप्त हुए 2013 और 2024 के बीच में, तो इनको भी हम जो है ऐड करते हैं, जो भी वर्षों का अंतर आया था उसमें हम ऐड करेंगे, तो हमारा 11, 3, 14 ये हमारा टोटल कितना आया, 14 दिन आया। इसको हम इसका विषम दिन ज्ञात करने के लिए किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, अगर 0 आता है तो 0 आता है, जो दिन दिया रहता है वही सेम रहता है, अगर उसमें जो है अंक आएगा 1, 2, 3 तो उसी हिसाब से हम आगे पीछे करते हैं जो दिन दिया रहता है, लेकिन इसमें जो है 7 से भाग देंगे तो इसका जो है शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो हमारा जो दिन वही रहेगा वही रहेगा, बुधवार में 0 जोड़ेंगे तो बुधवार ही रहेगा, हमारा जो है डेट जो है दिन जो है समान रहेगा, बुधवार ही रहेगा, कब 6 मार्च 2024 को भी बुधवार रहेगा और 6 मार्च 2013 को भी बुधवार रहेगा, ये हमारा आंसर हुआ। इसको एक तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे और इसको हल करने के एक और तरीका है उसको बताते हैं, जैसे हमने बताया था आपको एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन आता है, 52 पूर्ण सप्ताह और पूर्ण सप्ताह को तो लेंगे नहीं, इसमें विषम दिनों को लेना है, तो एक विषम दिन था इसमें, और लीप वर्ष में कितने दिन थे, लीप वर्ष में 2 विषम दिन थे, तो जैसे हम या 24 और 13 के बीच में लीप वर्ष जो है उनको हम माइनस करेंगे, तो इसमें जो है 3 लीप वर्ष हैं, 11 वर्षों में जो है 3 लीप वर्ष जो है माइनस करेंगे हम, तो 3 लीप वर्ष हुए प्लस 8 जो है साधारण वर्ष हैं, 8 आपके साधारण वर्ष हैं और उनके उनमें एक साधारण वर्ष में एक वर्ष एक जो है विषम दिन निकल रहा है, तो ये लीप वर्ष में 3 दिन होंगे और साधारण वर्ष के 8 दिन हुए, इनका हम योग करते हैं, योग करने के बाद अगर योगफल 7 से कम आता है तो वही दिन होगा, अगर 7 से ज्यादा आता है तो इसको हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे, तो जैसे हो गया 3 6 और 8 6 14 8 6 14 ये फिर 14 दिन आ गया, तो इसको हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे 7 × 14 मतलब इसमें इसका जो है विषम दिन 0 आ रहा है, जैसा कि आपका आया था पिछले टाइप के अनुसार, पिछले जो है पिछले तरीके से आया था, उसी तरीके से हमने दूसरे तरीके से हल किया तो उसका जो है इसका भी शेषफल जो है 0 आ रहा है, तो बुधवार का जो है बुधवार ही रहेगा। देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 26 जनवरी 2029 यहाँ 2029 आना चाहिए था, 2029 या पूर्ण क्वेश्चन हुआ अभी, तो 26 जनवरी 2029 को रविवार था, तो 26 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम हल करने के लिए सबसे पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, वर्षों का अंतर लेंगे, अगर डेट समान है तब, डेट समान है तो उसमें हम सबसे पहले 2029 में 1999 को माइनस करते हैं, तो इसका जो अंतर आता है 30 वर्षों का अंतर है ये 2029 और 1999 के बीच, और इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अभी लीप वर्ष 1999 और 2029 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, तो जैसा हमने बताया था 4 से जो विभाजित हो जाए, 4 से जो भी कट जाए, जो भी वर्ष कट जाए वो हमारे लीप वर्ष होंगे, तो जैसे 1999 के बाद क्या होता है 2000, लीप वर्ष कितने हुए 2004 2008 2016 2020 और 2024 2028 2028, ये उसके बाद 2029 आ रहा है, तो इसमें कितने देख रहे हैं लीप वर्ष आता है 2001 2 3 4 5 6 7, कितने लीप वर्ष हुए 7 लीप वर्ष हुए ये 1999 और 2029 के बीच में, तो इसको भी हम ऐड करते हैं 7 लीप वर्ष 37 जो है वर्ष हो रहा है, और
37 जो है निकल रहा है, इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 7 बटे 35 दो जो है इसका विषम दिन मिल रहा है, दो विषम दिन मिल रहा है। इसको क्या पूछा है, इसमें 2029 का दिया गया है, 1999 मतलब पीछे का पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था, अगर पीछे का पीछे वर्ष का पूछे तो जो भी वर्ष जो भी दिन दिया गया है उसमें हम माइनस करेंगे। तो रविवार में हम 2 को माइनस करेंगे, रविवार में 2 माइनस करेंगे, 2 विषम दिन को माइनस करेंगे, या फिर 5 दिन आगे जाएंगे तो डेट जो दिन प्राप्त होगा वही होगा। रविवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, रविवार से शनिवार, शनिवार के बाद क्या शुक्रवार, रविवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्रवार प्राप्त होगा, रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो भी हमें शुक्रवार प्राप्त होगा। तो इसी टाइप का जो है अब हल करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार से हम हल करेंगे। पहले वर्षों का अंतर लेंगे, वर्षों का अंतर लेने के बाद जितने भी लीप वर्ष आते हैं लीप वर्ष को भी हम काउंट करते हैं, उसको काउंट करने के बाद जो वर्षों का साधारण वर्षों का अंतर आया था उसमें ऐड करते हैं, या और ऐड करने के बाद उसमें हम 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसी जो शेष बचता है शेष दिन के हिसाब से हमारा जो है दिन तय होता है। कि पिछले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे का पूछा है तो उसमें आगे का जोड़ते हैं, अगर पीछे का दिन पूछा हो रहता है तो पीछे का दिन माइनस करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 15 अगस्त 1991 को 2014 था तो यदि 15 अगस्त 1991 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गया है, इसमें भी जो है डेट समान है, इसमें क्या गया है सबसे पहले वर्षों का अंतर लेते हैं, 2014 और 1991 के बीच अंतर लेते हैं वर्षों का। चार एक तीन, चार में से गए 3 और 11 में से 9 गए 2, बाकी ये सब कट जाएंगे। ये 23 जो है आपका वर्षों का अंतर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीप वर्ष को काउंट करेंगे, 1991-2014 के बीच में कितने लीप वर्ष आए हुए हैं। तो देखते हैं लीप वर्ष कैसे आता है। तो जैसा हमने बताया था 4 के गुणज में तो 92 हुआ आपका, 91 के बाद जो है 92 लीप वर्ष आया, 1992 92 4 96 96 4 2000 बाद 2004 8 12 16 20 हमें 12 तक ज्ञान क्या करना, 2014 का हमें पूछा गया है, 2014 का पूछा है तो हम 2012 तक लेंगे, ये 2012 तक लेंगे। तो उसमें देखते हैं कितने लीप वर्ष आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने लीप वर्ष आए, 6 लीप वर्ष आए। इसको भी हम ऐड करते हैं जो भी वर्षों का अंतर आया था, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, वर्षों का अंतर जो कितना आया था 23 में हम 7 से भाग देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको भी जो आता है लीप वर्ष उसको भी हम ऐड करते हैं। हम पहले इसको ये हल करते हैं उसके बाद हम देखते हैं उसको बताते हैं। तो 23 6 29 29 ये दोनों का योग आया, योग करने के बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम लिखेंगे, 7 4 28 28 में प्लस 1 इसमें जो है विषम दिन मिल रहा है, एक विषम दिन मिल रहा है। तो इसी एक विषम दिन को हम इसमें क्या करना है, 1991 का दिया गया है, 2014 का मतलब इसमें आगे का पूछा है तो 2014 का पूछा है, मतलब शुक्रवार में हम एक दिन ऐड करेंगे, शुक्रवार में एक दिन को ऐड करेंगे, या फिर 6 को माइनस करेंगे दिन वही आएगा, शुक्रवार में एक दिन ऐड करेंगे या फिर 6 को माइनस करेंगे दिन समान आएगा। तो शुक्रवार से एक दिन पहले क्या आता है, गुरुवार, शुक्रवार से एक दिन बाद एक दिन प्लस करना है हमें, शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। शुक्रवार के बाद ये शनिवार आएगा,
जो शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, इसमें शुक्रवार में प्लस एक की है, शनिवार आया, या शुक्रवार में माइनस से करेंगे तो शनिवार आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है चेंज डेट एंड मंथ, मतलब इसमें दोनों की अदला बदली होगी, डेट भी बदलेगा और मंथ भी बदलेगा। तो दिया गया क्वेश्चन आपका, यदि 23 मार्च 2007 को मंगलवार था तो 22 जून 2019 का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वर्षों का अंतर निकालते हैं, पहले हम वर्षों का जो है, वर्षों का जो है कॉम्बिनेशन सही करते हैं, उसके बाद हम दिन को हम सही करेंगे। तो 23 2019 में हम 7 2007 को माइनस करेंगे। ये अंतर लेते हैं 12, ये दोनों का अंतर कितना आया, 12 आया। उसके बाद लीप वर्ष को हम लेते हैं, लीप वर्ष को काउंट करते हैं, 7 से 2007 और 2019 के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष लेते हैं 2007 के बाद 2008, 8 के बाद हो गया 12, उसके बाद 16, 3 लीप वर्ष आए हैं, इसको भी हम ऐड करते हैं, इसको भी हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम 7 से भाग करते हैं, 7 × 14 एक जो है विषम दिन मिल रहा है। उसके बाद हम 23 मार्च से 22 जून के बीच जाते हैं, 23 मार्च और 22 जून के बीच जाते हैं, कितने विषम दिन आ रहे हैं। तो 23 मार्च हमने बताया था, 23 मार्च में जो है 23 दिन बीत गए हैं, बाकी मार्च जो है 31 दिन का होता है, तो इसमें 8 दिन बचे हुए हैं मार्च के, जो है 8 दिन बचे हुए हैं मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, 7 × 28 इसमें 2 विषम दिन, मई का जो होता है 3 दिन होता, 3 दिन होता, 3 दिन विषम दिन होता है क्योंकि ये 31 दिन का होता है मई। उसके बाद जून, जून को क्या हुआ, जून के आपके 22 दिन को ऐड करना है, सभी को हम ऐड करते हैं, 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 22 = 25, 25 × 10 = 35, 35 में 7 से भाग देते हैं तो उसका जो है शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब तो मंगलवार में प्लस एक करेंगे क्योंकि ये हमारा वर्षों का आया था, ये हमारा दिन का आया, तो हम इसको टोटल कितना आया, 0 + 1 मतलब एक ही जोड़ना होगा। तो मंगलवार में एक दिन आगे बढ़ाएंगे, मंगलवार से एक दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, बुधवार। मंगलवार से एक दिन आगे जाएंगे क्या होगा, बुधवार, या फिर कितने दिन पीछे जाएंगे, 6 दिन पीछे जाएंगे तो भी बुधवार आएगा मंगलवार के बाद, मंगलवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो भी बुधवार आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुए कुछ। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे कैलेंडर के, और इसी टाइप के हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, इसी के कैलेंडर में भी कुछ और टाइप्स हैं, उनको भी हम ऐड करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते रहिए। हम लोग आपकी जो है ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और आप भी तैयार रहें, अपना जो है प्रैक्टिस चालू रखिए, आपकी जो है आपकी जो प्रैक्टिस बनी रहेगी तो वही आपका एग्जाम में आपके काम आएगा। तो धन्यवाद।